अल्हम्दुलिल्लाह आज द्वाबा फ्रेंड्स क्लब की जानिब से दूसरा सेशन मुनक्किद किया जा रहा है और अब इसका हम बाकायदा आगाज़ करने वाले हैं। तो इस आगाज़ में आगाज़ हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम से और उनके तरफ से करेंगे। तो दावते नाम पाक के लिए मैं मुतमिस हूँ कि हाफिज मोहम्मद हामिद उस्मानी साहब से आए और इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. पाकिस्तान आए तो शेखपुरा में वहाँ
कैंपों में रहे दो साल से, कानूनी तनाव घर मिला, तो हमारा जो बचपन गुजरा है वो काफी तकलीफ से। हम जनरल आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि हर इंसान का कोई ना कोई मसला होता है, किसी को क्रिकेट पसंद होता है, किसी को जो बसेंगे पाकिस्तान में वो फुटबॉल को मर्जी देते हैं या कुछ फिशिंग करते हैं, वो कुछ शादी करते हैं, तो इसमें आपका क्या मशवरा था और जो आप जो अपने दौर के साथ पसंद हो वो क्या है, आपसे ऐसा भेजने क्या है वो आप चाहता हमारे नाम का बैडमिंटन का शौक है। बैडमिंटन बड़े शौक से खेलता, वैसे जो गलियों में पटनी रहेगी तब तो क्रिकेट और कला यानी देहाती वो भी बहुत खेलते रहे। गिल्ली डंडा का शौक नहीं था इसलिए तो खतरनाक लग जाता काफ़ी, तो घर वाले भी सख्ती करते थे। ये है कि बैडमिंटन कबड्डी फुटबॉल ये सब खेला है और यहाँ जो भी आए कॉलेज का माहौल नहीं था, ग्राउंड नहीं था, तो वो सब भी पीछे रह गया। अभी आपने जिक्र किया कम लिखने का या छोटे लिखने का, चूँकि ज़माना आज कल जो इंटरनेट का दौर है वो व्हाट्सएप मैसेंजर और दीगर चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपसे एक सवाल का पूछना चाहूँगा, अगर आप मुनासिब समझे तो उसका जवाब दीजिएगा कि जो आप चिट्ठी लिखा करते थे तो वो चिट्ठी से घर वालों के लिए लिखते थे या कि नहीं, और चिट्ठी की कोई फौज होती थी? जब मेरे घर वाले थे कम्बाइन करने के लिए वार्ता थी, भाई थे, वालिद साहब को मेरे वहाँ ही सैदपुर में इंतकाल हो गया था, तो घर वाले में भुगतान में 1994 में शादी हुई। आप कहना चाहूँगा कि जो आपने शादी की वो घर वालों की मर्जी से या वो उसमें आपकी रजामंदी में शामिल थी, ये दुनिया शायद आपके घर वाले मिले तो उनको भी आपके साथ का आपके बच्चों को भी आपको ज्यादा हो जाएगा पसंद से मिले? नहीं, लेकिन ये है कि पसंद पूछा गया था और देखा मैंने भी था, तो मैंने कहा तो इसमें अगर दोनों सर अगर शामिल कर लें तो हम जाए चलिए। आजकल आप मतलब अपने बच्चों का अलाव करें अगर कोई पसंद हो तो पहले आपसे मशावरत के बाद आज पे बात हो सकती है। अच्छा, अभी बिहार की कम्युनिटी के हवाले से गुज़िश्ता दिनों आप लोग सीएम के हवाले से काम कर रहे थे, सीएम के रजाकारों के हवाले से, तो मैं चाहूँगा हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये सीएम के हवाले से जो काम कर रहे थे और ये सीएम है क्या और इसमें क्या क्या हमने मतलब उन्होंने क्या क्या काम किया आप लोगों ने? इसी के मैं चाह रहा था कि अगर आप मुझे मौका दें तो मैं इस वक्तीन से और जो पार्ट वाइज हो जाएगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो सी एस जो इन्होंने अभी कहा तो ये है BCAS, उसको शॉर्ट फॉर्म में लोग CACS ये है BCAS, ईस्ट पाकिस्तान सिविल आर्म फोर्स, जो एक 1971 में जब आवामी लीग बांग्लादेश में आज़ादी का ऐलान किया और वहाँ की जो मीडिया बांग्लादेश ईपीआर वो ईस्ट पाकिस्तान राइफल जो कि बंगाली बोलने वालों पर मुश्तम थी, पाकिस्तानी फोर्स का हिस्सा थी, तो उसने ईपीआर में कहा आवामी लीग भी बगावत की और बंगाली अक्सरियत भी वहाँ की थी उसने भी बगावत की, तो वहाँ से रह गए पाकिस्तानी फौज जो के यहाँ उन लोगों ने वहाँ की जो पाकिस्तानी फौज थी और यहाँ की हुकूमत ने ये इंतजाम किया कि जो उर्दू बोलने वाले जारी हमको हमने निवेश किया, हमसे उन्होंने कहा कि आप क्या क्या है इस मौके लिए, तो हमारे भाई ने फैसला किया कि हम पाकिस्तान के पाकिस्तान के साथ करें, हम हमारे आबा अजदाद हिंदुस्तान से माइग्रेट करके पाकिस्तान आए थे, इसके अलावा बांग्लादेश या किसी और ताल्लुक जोड़ने के लिए नहीं आए थे, किसी और शनाख्त के लिए नहीं आए थे, हम पाकिस्तानी हैं, हमने इस्लाम के नाम पर अपनी खासियत की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मैं तो बवा के बहुत कहता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ कि तहरीक पाकिस्तान में अगर सबसे ज्यादा कुर्बानी है तो वो
का जहाज नहीं चलता। मैं इसको साबित करूंगा कि सबसे ज्यादा कुर्बानी और सबसे ज्यादा तहरीक फात आदि का चलाया गया है तो उस सुबह बिहार में आया है। और जाहिर है कि शुद्ध बिहार और बिहार में रहने वाले मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाने के लिए अपना खून दिया, अपनी जिंदगी कुर्बान की, अपनी इज्जत नामों की कुर्बानी दे शासन किया, तो वो कैसे गवारा करते कि वो मुल्क जो उनके ख्वाबों की सरजमीन थी उसके ऊपर पाकिस्तान का सब जलाने के बजाय कोई और परचम फहराया जाए और वो उसके साथ खड़े थे। तो हमारी हमारे अफवाह की गैरत ने गवाह नहीं किया, उन्होंने कहा कि हम अफवाह पाकिस्तान के साथ शामिल शाना खड़े होंगे और दिफाए पाकिस्तान में जंग लड़ेंगे। तो उस वक्त जो है बिहारी नौजवान जो 17 साल 18 साल 20 साल के उस वक्त थे उन्होंने अपनी खदमात पेश की और अफवाह पाकिस्तान के दफ्तर में गए, वहाँ भर्ती हुए और उनको चंद दिनों के ट्रेनिंग के बाद बॉर्डर पे गए। हम नंगे हुए पाकिस्तानी नहीं, हमने पाकिस्तान बनाया, हमारे बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया, हमने पाकिस्तान बचाने के लिए 7 लाख जाने कुर्बान किया। मशरकी पाकिस्तान की खेल नहीं, हमने जब दिफाए पाकिस्तान के लिए अफवाह पाकिस्तान के साथ खड़े होने का फैसला किया उस वक्त समझते कि आप सोचे जरा एक तरफ आपका मध्य मुकाबले 7.5 करोड़ और आपकी तादाद बमुश्किल 14-15 लाख है, आप वो फैसला कर रहे हैं आपसे खेलने का, आपने तो आपके अभाव बताया तो वो फैसला किया कि आपको सामने बहुत नजर आ रही है, बहुत की खाई सामने है, उसके बावजूद आपने फैसला किया, इतना सख्त फैसला किया कि भाई ठीक अगर मौत है तो हमें मौत प्रॉब्लम है लेकिन हम पाकिस्तान से नाकारी कर सकते और गद्दारों के साथ खड़े नहीं हो सकते, आपके अभाव बताते तो वो काम